जी हाँ दोस्तों, आखिरकार दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने रचा बड़ा इतिहास। मात्र 18 गेंदों में 50 रन जड़ने के बाद तोड़े T20 इतिहास के ऐसे सालों पुराने रिकॉर्ड, जिनको जानकर पूरा भारत देश कर रहा है खड़े होकर सलाम। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा सूर्य कुमार यादव की पारी और एक एक रिकॉर्ड को जानने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में से कौन है एक अच्छा बल्लेबाज। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच दूसरा T20 मुकाबला बरसपारा स्टेडियम पर शुरू हुआ। और दोस्तों, इस मुकाबले में आज साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बबूमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, कई हद तक उनका गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित होता, उससे पहले ही हमारी टीम के खिलाड़ी KL राहुल और रोहित शर्मा ने यहाँ उनको बता दिया कि आखिरकार ओपनिंग साझेदारियाँ कैसे की जाती हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर KL राहुल ने मात्र 28 गेंदों में 57 रन जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं रोहित शर्मा ने 37 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेली। और इन्हीं की इस पारी की बदौलत यहाँ भारतीय टीम का स्कोर काफी अच्छा हो गया था और दोनों के विकेट गिरते गिरते शतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों, फिर मैदान पर उतरे विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, जहाँ विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव तो पिछले मुकाबले की लय को ही बरकरार रखते हुए नजर आए। और यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने आज के इस मुकाबले में पूरी कोशिश की कि टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार लेकर जाया जाए, और ऐसा करते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी दौरान कुमार यादव ने यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाला भारतीय टीम का और एक के बाद एक तूफानी चौके छक्के लगाते हुए साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ियों को बेबस कर दिया। और यहाँ पर आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 18 गेंदों में सूर्य कुमार यादव अपना अर्धशतक लगा देते हैं, जहाँ इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए होते हैं। और उनका स्ट्राइक रेट तो सुनने के बाद आपके भी तोते उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 282 के स्ट्राइक रेट से आज के इस पूरे ही मुकाबले में बल्लेबाजी की, जहाँ सूर्य कुमार यादव विराट कोहली को तो कह देते हैं कि आप शांत बैठिए, मैं एक छोर से बल्लेबाजी संभालता हूँ। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की इस बल्लेबाजी की अदाओं को देखते हुए हर कोई हैरान हो गया। यहाँ तक कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर भी उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। हालांकि हम आपको बता दें कि T20 में सूर्य कुमार यादव ने आज इतिहास रचकर एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने अपने सभी T20 फॉर्मेटों को मिलाकर 573 गेंदों में 1000 रन पूरे कर लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव सबसे तेज 1000 रन पूरे करने के मामले में विश्व के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने तीसरे या फिर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने आज के इस मुकाबले में 1000 रन पूरा करते के साथ ही रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और KL राहुल जैसे बल्लेबाजों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और ऐसे में दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि हम आपको बता दें कि 18 गेंदों में अपना 50 पूरा करने के बाद सूर्य कुमार यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आज के इस मुकाबले में वो कर दिखाया जिसका हाँ किसी को बेसब्री से इंतजार था। तो वहीं दोस्तों, आज सूर्य कुमार यादव की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद तो सचमुच अब ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव से अच्छा बल्लेबाज टीम इंडिया में कोई है ही नहीं। तो बाकी अब आप सभी की क्या राय है सूर्य कुमार यादव की आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखने के बाद, और आप सूर्य कुमार की बल्लेबाजी के लिए उनको आज 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।